नेपाल में भूकंप से मरने वालों की तादाद 6000 के पार जा चुकी है। हर रोज भूकंप से तबाही की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन मौत के इस मातम के बीच एक जिंदगी की उम्मीद भी दिखती है। हम आपको दिखा रहे हैं 4 महीने की ये मासूम की तस्वीर। ये बच्चा भक्तपुर में एक बिल्डिंग के मलबे से निकाला गया। बचाव दल के मुताबिक बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बच्चे का शरीर पूरी तरह कपड़ों में ढका है। उस पर मलबे की मिट्टी जरूर लगी है। बच्चे को देखकर बचाव दल भी हैरान रह गया। बचाव दल के मुताबिक मलबे की जांच कर टीम मौके से वापस लौट रही थी, तभी बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बच्चे का नाम सोनित है, लेकिन अभी तक उसके माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है।